से पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप आकर गाय को खरीद सकते हैं। बहुत लोग भाई कमेंट करते हैं यार कि आप दिन नहीं बताते हैं। भाई आप वीडियो पूरा देखा करें तो आपको सुस्पष्ट पता चल जाएगा कि किस दिन। तो नमस्कार भाई लोग, भाई लोग वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। इसका यार रीज़न है कि देखिए सच बता रहे हैं कि मेरे वीडियो पर उतना ज़्यादा व्यू जाता है यार, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं यार, कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार अपने घर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर आकर ये वीडियो बनाते हैं, तो यार आप लोगों का भी फर्ज बनता है यार, थोड़ा सा बस सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराऊँगा। देखिए सामने एक गाय है, इस गाय के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब अभी बिकी है, कितने में बिकी है। और वो सामने जो भैया है वहीं भी इस गाय की बिक्री किए हैं। ठीक है ठीक। देखिए इस गाय को अभी बिक्री हुई है, तो मैं भैया से क्या कुछ है डिटेल इसका पूछ रहा हूँ। हाँ क्या कुछ है डिटेल मैं पूछ रहा हूँ धीरे धीरे। और इसका मैं कोशिश करता हूँ आपको ऑर्डर क्वालिटी भी दिखा रहा हूँ। और इसका बच्चा ये है, बच्चा इसका बाछी है। और बाछी देसी में है, पर गाय दुगली जर्सी में है। भैया कितना में बिकी है गाय, ये कितना में बिकी है? 30,000 पर। देखिए इस गाय को 30,000 पर इसकी बिक्री की गई है। कितना दूध बताओगे ले बाबा गाय को? अच्छा। देखिए इसका दूध अभी मतलब बात हो रहा था तो उसमें मैं कैमरा नहीं ऑन किया था, तो 3 के आसपास कुछ बताया जा रहा था टाइम का, जो कि दे सकती है। और 30,000 में इसकी बिक्री हो गई है और इसका ये बच्चा बाछी है। तो देखिए फिर मैं आपको ये गाय दिखा रहे हैं, दुगली जर्सी में, दुगली जर्सी में है ना ये। देखिए बहुत ही अच्छी गाय है, हाइट में थोड़ी छोटी है, ऑर्डर क्वालिटी बहुत ही अच्छा, दूध क्षमता क्या है मैं सब कुछ पूछूंगा। इससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए एक हमको मोटिवेशन मिलता है। ये लगता है कि कट गया हल्का सा, जिस गाड़ी में लाद कराती हैं उससे थोड़ा मोड़ा चोट वोट आ जाता है पशुओं को। देखिए ऑर्डर क्वालिटी काफ़ी डिस्टेंस अच्छा है देखा जाए तो। कितना दूध है अनिल भैया का नीचे? 14 दोनों भी रखा है। टाइम का इसका 7 kg दूध बताया जा रहा है। और बच्चा का है कर? बाछा है वो भी ठंड से कांप रहा है, मारती उड़ती बहुत डर रही है, इसलिए नज़दीक नहीं जा रहे हैं इस गाय का। अच्छा कितना कीमत इसका रखे हैं? 55,000। कोई खरीदार व्यक्ति अब तक आया है कि नहीं इस गाय के लिए? आया। कितना वो सब कीमत लगा रहे हैं इसका? 40-42-45 तक लगा रहे हैं। 40-42-45 तक लगा रहे हैं कीमत। देखिए ऑर्डर देखिए थोड़ा सा ये भी। अनिल भाई कहाँ की ये गाय है? चंदौली जिला की है। देखिए चंदौली जिला की ये गाय है, चौसा पशु मंडी में बिकने के लिए आई है। मतलब किस दिन की आई है यहाँ पर? मतलब मंगलवार को आई है, उससे पहले क्या आ गई है यहाँ? सोमवार को ही आ गई, सोमवार को। अच्छा एक आप सुविधा बताइए, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति चौसा पशु मंडी से गाय खरीद कर लेकर जाना चाहता है अपने उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बॉर्डर पर कोई रोकेगा? पुलिस कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। 50 रुपये फ्री लगता है। कैसा? जैसे टोल टैक्स लगता है ना, टोल टैक्स लगता है 50 रुपये, वही लेंगे ना। बाकी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मेला का रसीद होना चाहिए पास। तो देखिए यही है, अगर उधर से कोई व्यक्ति लाना चाहता है फिर कैसे दिक्कत होता है? दिक्कत होता है, उधर से नहीं लेकर आ पाएंगे।
चलिए ठीक है। तो देखिए एक सामने से हमको एक साहिवाल नस्ल की एक गाय दिखी, तो हमने सोचा कि इसको कवर कर लिया जाए। आपकी गाय भैया कहाँ की गाय है ये? बनारस। अच्छा, बनारस की गाय है। इसका नस्ल तो साहिवाल है। हाँ, साहिवाल। साहिवाल। देखिए इस जो गाय है साहिवाल नस्ल में है, और ऑर्डर क्वालिटी इसका बहुत बड़ा था, इसलिए हमने सोचा कि इसको कवर कर लिया जाए। बच्चा क्या है भैया इसका? नीचे बाछी। बाछी कितना दिन का हो गया लगभग? अबे कल का भी आई है। कल का? देखिए इसका ये बच्चा है और ये कल का बच्चा को दिए। इसके गर्दन पर, अच्छा गर्दन पर कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा आपको है सिक्कड़ का लगा। देखिए गर्दन पर ये बताया जा रहा है, मतलब देखिए अब सच्चाई क्या है हमको भी नहीं पता, पर बोला जा रहा है कि सिक्कड़ से ये लगा है, गांठ पड़ा है। अच्छा, इसका दूध क्षमता कुछ बताइए, दूध क्षमता कितना है इसके नीचे? 10 किलो बेरा टाइम का। 10 केजी? वाह, इसका दूध टाइम का 10 केजी बताया जा रहा है। कितना मांग रहे हैं इसका दाम? 3 लाख। गलत नहीं, गलत बोल रहे हैं। 1.5 लाख। 1.5 लाख? 1.5 लाख। अच्छा, मेला मंडी में अभी तक इसका कितना मिला है? 80 तक ले आदमी गया है। अच्छा, 80 तक दे रहे हैं खरीदार व्यक्ति, और आपका डिमांड है कि हम 1.5 लाख से कम पर नहीं देंगे? ना, 1.20 मिलेगा हम दे देंगे। 1.20 पर दे देंगे, ठीक है। और देखिए इस गाय का टाइम का 10 केजी दूध बताया जा रहा है, और कल का ही बच्चा दी है। तो ऐसी ऐसी गायों को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बक्सर जिला में एक चौसा मंडी पड़ता है, पशु मंडी, गाय की मंडी है, हर बुधवार को लगता है, और यहाँ से आप आकर गाय को खरीद सकते हैं। बहुत लोग भाई कमेंट करते हैं यार कि आप दिन नहीं बताते हैं। भाई आप वीडियो पूरा देखा करें तो आपको सुस्पष्ट पता चल जाएगा कि किस दिन को मैं बता रहा हूँ। बुधवार के दिन लगता है यह मंडी, हर बुधवार को बक्सर जिला में है चौसा पशु मंडी। तो आप लोग आकर यहाँ से गाय को खरीद सकते हैं। तो देखिए मैं फिर आपको ये गाय दिखाते हैं। वेलकम। अच्छी हमको दिखी सामने से जाते वक्त, तो फिर हमने सोचा कि इसको कवर कर लिया जाए। या कुछ डिटेल है, मैं धीरे धीरे सब कुछ पूछ रहा हूँ इस गाय के भी बारे में। सबसे पहले तो आप इस गाय को कवर कीजिए, मिलाइए। ये इसका बच्चा है और बच्चा इसका बाछा है, लगभग 1 सप्ताह के आसपास का ये बच्चा लग रहा है। दूध दूध कितना है इस गाय का, मैं धीरे धीरे पूछ रहा हूँ। सब ऑर्डर तो बहुत बड़ा है। गाय मालिक अभी भी किसी खरीदार व्यक्ति से बात उत कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब अभी नहीं करना चाहते हैं। तब तक आप गाय को पूरा सही से कवर कर लीजिए, देख लीजिए क्या ऑर्डर क्वालिटी क्या कुछ है। भैया इसका दूध कितना है नीचे? इसका लगभग 14 लीटर। इसका दूध 14 लीटर बताया जा रहा है, टाइम का 7 लीटर। दाम कितना मांग रहे हैं इसका? 56,000। देखिए इसका डिमांड 56,000 है। अगर कोई खरीदार व्यक्ति सामने से आकर इस गाय की खरीदारी करे, सौदा करे, तो उसमें भी कुछ जरूर कंसेशन होगा, बहुत ज़्यादा कंसेशन होगा। ऐसा नहीं कि 56 तो ठीक है। अभी हम देख रहे थे सामने से, जब बातचीत हो रहा था तो एक व्यक्ति थे जो इस गाय का 35 के आसपास कीमत लगा रहे थे, और ये बोले हैं कि हम 50 से प्लस बेचेंगे, उस समय बोल रहे थे, और वो 35,000 लगा रहा था। तो आप समझ सकते हैं मेला मंडी का लेवल क्या है। कौन बयान में हुए भेज गए ये दूसरे, और इसका बयान तो दूसरा बताया जा रहा है।